दोस्तों आज हम चल रहे हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में तो आपने सुना ही होगा। चित्तौड़गढ़ का किला इतना बड़ा है कि उसमें घूमने के लिए हमको पूरा दिन भर लग जाता है। उसके बाद भी जो है जल्दी जल्दी घूमना पड़ता है, नहीं तो अगले दिन फिर आना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए हम उस किले की बात करेंगे कि वहाँ घूमने में हमको जो है कितना खर्चा आ जाता है, चित्तौड़गढ़ घूम के फिर के आने में कितना खर्चा होता है। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जो है नियरेस्ट देखें तो आपको उदयपुर के पास में ही पड़ता है, उदयपुर से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। और हम जो बात कर रहे हैं आपको इंदौर से, मैं इंदौर से जो है चित्तौड़गढ़ जा रहा हूँ और इंदौर से चित्तौड़गढ़ की जो दूरी है लगभग 325 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ बाय कार जा रहा हूँ, कार से हम चित्तौड़गढ़ जा रहे हैं और चित्तौड़गढ़ का पूरा खर्चा कितना क्या हो जाता है मैं आपको बता दूंगा। तो हम आ गए चित्तौड़गढ़ के किले में। अब दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले में आने से पहले हमको जो है टिकट लेना पड़ता है। टिकट आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं और आप वहाँ जाके भी करा सकते हैं। तो टिकट आपको लेने के लिए टिकट ज़्यादा महंगा नहीं, यहाँ पे 25 रुपए का एक टिकट मिलता है जो कि काफ़ी सस्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जने के 25 रुपए लगते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हम अफोर्ड कर सकते हैं इसको। उसके बाद में आप देख सकते हैं मैं घोड़े पे भी बैठा हुआ हूँ और घोड़े पे जो है हमको बैठने के ये जो 10 रुपए लेते हैं बस, ज़्यादा नहीं। और हमको जितने पोज यहाँ पे क्लिक करवाने हैं फ़ोटो के लिए उसके हर पोज का 10 रुपए अलग से लगता है, ठीक है। और ये जो कॉस्ट्यूम है इसके जो है हमको आराम से 50 रुपए देने पड़ते हैं कॉस्ट्यूम पहनने के, इसके हम कितनी देर तक पहन के रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके जो है हमको यहाँ पे अंदर इतना खर्चा होता है आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम जो है आपको दिखा रहे हैं इसमें जितने भी बहुत सारे प्लेसेस बने हुए हैं पैलेसेस, और पैलेसेस को हम देखने का कोई अलग से कोई पैसा नहीं लगता है। और हम यहाँ गाइड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो गाइड कर सकते हैं, अच्छा रहता है क्योंकि गाइड हमको सारी चीज़ें एक एक बता देता है। और जिनको बस ऐसे देखना है ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है वो गाइड नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको हर एक चीज़ के बारे में जानना है वो गाइड कर सकते हैं। गाइड यहाँ पे 100-150 रुपए पे मैं आपको जो है पूरा मान जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके जो है आप गाइड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जैसे आप चित्तौड़गढ़ के किले में आपको दिन भर हो जाएगा दोस्तों, तो मैं आपको जो है जल्दी जल्दी यहाँ के जितने भी चीज़ें हम घूमे हैं सारी जगह के बारे में बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आपको अगर यहाँ घूमने आना है तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। अगर चित्तौड़गढ़ ही घूमना है, आसपास दूसरी जगह जाना है तो आपको फिर उसका अलग बजट देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ चित्तौड़गढ़ जाना है तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर आपको स्टे करने के लिए 1000 रुपये में होटल मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको होटल चाहिए यहाँ पे तो 1000 रुपये में पर व्यक्ति का जो है कॉस्ट पड़ता है। और अगर आप ज़्यादा ग्रुप में आएंगे तो आपको और सस्ता पड़ जाएगा। यहाँ पे हमने होटल बुक करी थी 3000 रुपये में, 3000 रुपये में 5 लोगों के लिए एक नाइट के लिए। तो हमने उनसे बात की थी अगर एक जना रुके तो उन्होंने कहा एक जना रुकोगे तो कम से कम 1000 रुपये लेंगे। और होटल अच्छी थी और खाना भी यहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है। खाना एक टाइम का पर पर्सन पड़ेगा लगभग 150 रुपये, 150 रुपये में आपको अच्छा खाना मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको आपका जो एक्स्ट्रा रखना है वो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है अपने दोस्तों के साथ या फिर अकेले ही चित्तौड़गढ़ घूमना आना चाहते हैं तो आपका किराया देख लीजिए आपको कहाँ से आना है। मैं आपको बता रहा हूँ इंदौर से, इंदौर से हम जो है 5 लोग आए हैं बाय कार, तो हम लोगों का मतलब जो है 3,500 से 4,000 रुपये खर्चा हुआ है। एक रात हम यहाँ रुके हैं चित्तौड़गढ़ किले में, हमने घूमा फिरा है और जो हम अगले दिन वापस जो है निकल लिए हैं। एक रात हमने होटल में स्टे किया है, 4 टाइम खाना खाया है। तो ऐसे करके हमको जो है 3,500 रुपये पर हेड आए हैं, उसमें हमारा कार का पेट्रोल वेट्रोल सब हो गया। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं, बहुत ही सस्ता ट्रिप पड़ा है, काफ़ी मज़ा आया है, इन्जॉय किया है दोस्तों के साथ। तो आप भी कर सकते हैं यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, क्योंकि क्या है कि हम आपके लिए इस तरह के वीडियो हमेशा बनाते रहेंगे। और आगे आप इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि इसमें जो है मैंने किले के पूरे जो है मेन फुटेज लिए हैं, ठीक है। ये कुंभलगढ़
305 हेक्टेयर है यो यो भाई ये तो चित्तौड़ नहीं तो बम कौन है होना मुगो 7 दरवाजे हैं जगह बैठने के लिए और वही एक रास्ता है आपके ऊपर आने हैं और